हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स, है ना। ये हमारा पॉलीनोमियल्स का पहला लेक्चर है जिसमें हम पॉलीनोमियल्स का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है पॉलीनोमियल्स में उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसको समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, है ना। चलिए वन बाय वन हम चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब क्या आता है। कांस्टेंट यानी ऐसा नंबर्स, है ना। कांस्टेंट यानी सबसे पहले तो नंबर्स। नंबर्स में क्या आता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे एंड डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, कांस्टेंट्स है, है ना। और वेरिएबल जो रिप्रेजेंट होता है वो हम ए बी सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ए टू जेड। सबसे ज़्यादा जो वेरिएबल यूज़ होता है तो हमने देखा है कि वो एक्स यूज़ होता है ना। सबसे ज़्यादा जो वेरिएबल यूज़ होता है वो है एक्स। अब कांस्टेंट का मतलब क्या, कभी चेंज नहीं होने वाला है ना। यानी कांस्टेंट मतलब क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू वाला। ओके, फिक्स्ड वैल्यू, ये चेंज नहीं होगा। जैसे कि 3 है तो वो 3 ही रहेगा, है ना। कभी भी इक्वेशन में 3 होगा तो वो 3 का 3 ही रहने वाला है, वो कभी चेंज नहीं होगा, है ना। उसी तरह अगर -7 है तो -7 -7 ही है, है ना। उसको मैं -7 को 5 नहीं बोल सकता। ओके, तो -7 का एक फिक्स वैल्यू है -7। तो इसी तरह यहाँ क्या है, इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, है ना, वो वैरी होता रहता है। वैरी होना यानी चेंज होते रहना। ओके, तो कभी इक्वेशन में आप x इक्वल टू 1 लोगे तो आप ले सकते हो x इक्वल टू 1। उसी तरह x इक्वल टू आप 2 ले सकते हो, x इक्वल टू आप कोई भी 5 ले सकते हो, एंड सो ऑन, है ना। जैसे जैसे आप x या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते जाओगे आपका आंसर चेंज होता जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि यह स्क्वायर है जिसका साइज़ मैंने 2x2 लिया। अभी मैं अगर बात करूँ कि दिस इज एरिया जो है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। ओके, साइड इंटू साइड, ये आपने आपको पहले से पता है। यानी साइड क्या है, 2x2। तो देखिए 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया, आप इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। बट अगर मैं एक स्क्वायर ऐसा लेता हूँ जिसका जो साइड है वो एक्स बाय एक्स ले लेता हूँ, है ना। तो इस बार जो एरिया है वो मेरा क्या आएगा, साइड इंटू साइड यानी एक्स इंटू एक्स, यानी ये बन गया मेरा एक्स स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो अब एक्स इक्वल टू अगर मैं 1 लेता हूँ, एक्स इक्वल टू अगर 1 लेता हूँ तो मेरा एरिया का आंसर आएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर। अगर एक्स इक्वल टू मैं 2 लेता हूँ तो मेरा एरिया का आंसर आएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 मीटर स्क्वायर। देखिए ये चेंज हो रहा है ना, एरिया चेंज हो रहा है। जैसे जैसे मैं एक्स चेंज कर रहा हूँ एरिया चेंज हो रहा है ना। तो ये है वेरिएबल का कमाल, है ना। तो ये होता है इस तरह से वेरिएबल जो चेंज हो सकता है, है ना। चलिए, तो अगेन कि कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से, 1, 2, 3, 4 या माइनस भी ले सकते हो, है ना। और वेरिएबल को हम ए टू जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा जो वेरिएबल यूज होता है वो है एक्स। चलिए अब बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, वो होता है कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है कांस्टेंट और वेरिएबल से। जैसे कि देखिए 2x की बात करूँ तो 2 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, उसका मिक्सअप होके ये बना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करता हूँ 2x² + 3x + 7, ये लगा दिया मैंने, तो देखिए यहाँ कांस्टेंट है, वेरिएबल है। ओके, कांस्टेंट है, वेरिएबल है और कांस्टेंट। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सअप होके जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर मैं 7 बोलूँ तो क्या 7 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, तो इसका जवाब मैं अभी आपको जल्द ही दूंगा। और एक दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि अगर मैं अकेला एक वेरिएबल पूछता हूँ कि वाई, तो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है कॉन्स्टेंट और वेरिएबल मिला के। तो इसमें तो बोले सर ओनली कांस्टेंट ही है, वेरिएबल है नहीं, तो इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बोल सकते हैं। तो देखिए ये कांस्टेंट है बट अगर मुझे इसमें वेरिएबल डालना है तो वेरिएबल कैसे डाल सकते हैं, जैसे कि एक्स का पावर 0, तो ये आ गया वेरिएबल, क्योंकि एक्स का पावर 0, किसी का भी पावर 0 होता है 1, तो एक्स का पावर 0 होता है 1, तो एक्स का पावर 0 यहाँ 1 हो गया और 7 = 7। देखो तो मैंने एक्स का पावर 0 डालने से मेरे 7 में कोई चेंजेस नहीं आया, तो मैं एक्स का पावर 0 यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल बन गया, है ना। तो 7 भले कांस्टेंट अकेला है बट उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलने का रीज़न क्या है, वो कांस्टेंट भी है और पीछे हम वेरिएबल अगर लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसी तरह अगर y है तो बोले y में तो कांस्टेंट दिख नहीं रहा, बट अगर हम बात करें तो y के आगे देखें
तो हम वन लगा सकते हैं, दिस इज अ वन वाई, हम वन लिखते नहीं है बट वन होता तो है, ओके okay? तो वन भी एक कॉन्स्टेंट है और वाई एक वेरिएबल है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल से ये बना हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के है, ठीक है। कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत ही ब्रॉड थिंग है ना, बहुत ही बड़ी चीज़ है, बहुत सारे इसमें एक्सप्रेशंस होते हैं। चलिए अब बात करते हैं टर्म्स की। तो टर्म्स में देखिए, मैं अगर आपको टर्म्स बात करूँ तो एक्स स्क्वायर बात करूँ तो एक्स स्क्वायर एक सिंगल टर्म है ना, दिस इज़ अ वन टर्म। काउंटिंग की बात करें तो ये वन टर्म है। उसी तरह अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो देखिए ये क्या है, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज अ सेकंड टर्म है ना, दिस इज टू टर्म्स, ये दो टर्म्स हो गई। अब मैं अगर बात करता हूँ x मल्टीप्लाई बाय x, तो x मल्टीप्लाई बाय x ये कितनी टर्म हुई, तो जिसने भी टू टर्म्स आंसर दिया यहाँ पे वो रॉन्ग हो जाएगा है ना, टू टर्म्स नहीं आएगा। क्यों टू टर्म्स नहीं आएगा, क्योंकि x इंटू x ओनली वन टर्म ही है, ठीक है। इसका काउंटिंग में हम वन टर्म ही गिनेंगे, क्योंकि x इंटू x क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है और एक्स स्क्वायर एक सिंगल टर्म है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स अलग काउंट नहीं करेंगे। टर्म्स अलग कब काउंट करेंगे, जब बीच में प्लस या तो माइनस है तभी काउंट करेंगे। और सेम चीज़ डिवाइड में भी अप्लाई होता है, जैसे कि x डिवाइड बाय अगर 2 लिखा तो कभी भी ये दो टर्म नहीं होगा, दिस इज अ सिंगल टर्म है ना, दिस इज अ वन टर्म, बराबर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, तो देखिए टर्म्स कैसे हुआ, दिस इज अ फर्स्ट टर्म जो x इंटू x से बनी हुई है, फिर प्लस आ गया यानी अब टर्म नेक्स्ट आएगी, दिस इज 7 इंटू x है ना, 7 इंटू x, ये प्लस है बीच में और माइनस 8, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, तो ये कितनी टर्म्स हो गई, थ्री टर्म्स हो गई है ना। तो ये होती है टर्म्स, एक्सप्रेशन के अंदर जो टर्म्स होती है तो वो कैसे काउंट करते हैं, ये आपको समझ आ गया कि मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है तो एक ही टर्म में काउंट करेंगे, बट अगर प्लस या माइनस आ गया बीच में तब हम नेक्स्ट टर्म काउंट करते जाएंगे, ओके। चलिए तो टर्म्स यानी एक फैमिली की तरह बोल सकते हैं जो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल से बना है ना, जैसे जैसे कि ये एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स इंटू एक्स से बना है, यानी वो सिंगल फैमिली है, ओके। क्योंकि जब सिंगल टर्म्स है तो उसमें हम कुछ जो जो कट होते हैं, तो जैसे कि 5x डिवाइड बाय अगर 10 है, तो अगर ये सिंगल टर्म है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये कट कर सकता हूँ 5 टू ज़ा 10, ठीक है। बट अगर ये सेम चीज़ 5x प्लस 1 बाय 10 है तो ये अलग अलग टर्म में आ गए, 5x अलग टर्म में है और 1 बाय 10 अलग टर्म में है, तो ये अब मैं काट नहीं सकता, तो इसको ऐड करना पड़ेगा, तो वो ऐड करने का तरीका अलग होता है ना, हम एलसीएम लेके ऐड करते हैं। तो समझ आ गया आपको टर्म्स यानी क्या होता है, तो टर्म्स एक फैमिली की तरह होता है और उसको काउंटिंग कैसे करना है ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए टर्म्स के बाद बात करते हैं कोएफिशिएंट्स। तो जो एक्सप्रेशन होते हैं उसमें हमने क्या बोला, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स है ना, जैसे कि 7x लिखा, 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 लिख लेते हैं। चलिए इसमें कोएफिशिएंट्स बोले क्या होता है, तो कोएफिशिएंट्स देखिए ये जो वेरिएबल यूज़ हुआ है यहाँ पे x और x है ना, और इसके पीछे भी वेरिएबल लगाना चाहे तो लगा सकते हैं है ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लगाते हैं, बट अभी बात करते हैं कोएफिशिएंट्स की। तो कोएफिशिएंट देखिए, ये जो वेरिएबल के आगे जो नंबर होता है यानी जो भी कांस्टेंट होता है विथ साइन है ना, विथ साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साइन के साथ लेना है, जैसे कि ये प्लस 7 है तो प्लस 7 आएगा, ओके। तो 7 क्या है, 7 इज द कोएफिशिएंट, 7 इज द कोएफिशिएंट ऑफ किसका आएगा, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना, 7 किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, क्यों एक्स स्क्वायर के आगे है। उसी तरह अगर x है तो x किसका कोएफिशिएंट है, सॉरी x के आगे क्या है, 5 है ना, प्लस 5 है, यानी 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। और बोले 8 किसका कोएफिशिएंट है, इसके पीछे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो मैंने बोला था आपको अगर वेरिएबल लगाना है तो आप कैसे लगा सकते हो, x टू द पावर 0। तो 8 क्या हो गया, 8 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, 8 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 है ना। तो ये होता है कोएफिशिएंट्स है ना, वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। अब लास्ट चीज इसमें कि 7 माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
-3। चलिए तो इसके अंदर अगर मैं आपको पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन बताएगा, तो एक्स स्क्वायर ये है और उसका कोएफिशिएंट यानी उसके आगे क्या लिखा है, -7। तो इसका आंसर क्या आएगा, -7, है ना, +7 नहीं लिखना। उसी तरह मैंने अगर आपको पूछा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स के आगे क्या नंबर लिखा हुआ है, माइनस और वन लिखा हमेशा होता है ना, तो -1 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर ज़ीरो, तो एक्स टू दी पावर ज़ीरो का कोएफिशिएंट यानी एक्स टू दी पावर ज़ीरो यहाँ होता है कॉन्स्टेंट वाला, तो -3 इसका आंसर आएगा। और मैं अगर आपको कुछ ऐसा पूछता हूँ कि आप बताओ कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 3 एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, तो अभी बोलेंगे कि सर इसमें इस कोई भी टर्म्स के अंदर एक्स क्यूब तो दिख ही नहीं रहा है ना, ये सारे जो क्वेश्चन है ये पूरा जो एक्सप्रेशन दिया आपने उसमें एक्स क्यूब तो दिखाई नहीं दे रहा, तो एक्स क्यूब अगर नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, 0। 0 कैसे आएगा, तो अगर मैं यहाँ पे एक्स क्यूब वाला टर्म डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, ये देखिए एक्स क्यूब डाल दिया मैंने, बट ऐसा मैं कर नहीं सकता है ना, एक्स क्यूब इस तरह से नहीं डाल सकता, बट अगर मैं 0x³ डालूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0x³ 0 और x³ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये जो क्वेश्चन है वो चेंज नहीं हो रहा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसी तरह देखिए, तो x³ का कोएफिशिएंट इस बार क्या आ गया, 0 आ गया, है ना, तो 0 कैसे आंसर आ रहा है समझ आ गया आपको। चलिए तो ये है कोएफिशिएंट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, है ना, किस तरह से कोएफिशिएंट्स को फाइंड करते हैं, ये आपको अगर समझ अभी आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं पॉलीनोमियल्स। तो पॉलीनोमियल्स एक हमने अभी अभी क्या पढ़ा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें पता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बना होता है कांस्टेंट और वेरिएबल से। तो पॉलीनोमियल जो होता है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक टाइप है, एक हिस्सा है, ओके। तो पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एक बहुत ब्रॉड चीज़ है, उसका एक हिस्सा क्या होता है, पॉलीनोमियल्स। तो क्या होता है उसमें, पॉलीनोमियल्स किसको बोलेंगे, तो पॉलीनोमियल्स कब बोलेंगे, जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हम लिखते हैं उसमें आपको जो वेरिएबल आता है ना, तो आपको वेरिएबल पे ध्यान देना है, ओके। तो वेरिएबल पे ध्यान देना है, बट वेरिएबल का जो पावर है हम उसको पावर भी बोल सकते हैं या तो एक्सपोनेंट भी बोलते हैं ना, दूसरा नाम क्या है, एक्सपोनेंट। तो वेरिएबल का जो पावर होता है, जो एक्सपोनेंट होता है, ओके, वेरिएबल के जो सर पे हम पावर लिखते हैं वो पावर क्या होना चाहिए, ये जो पावर होता है वो पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ओके। होल नंबर में क्या आता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ओके, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर चलेगा, 0 भी चलेगा, ओके, जो भी वेरिएबल है उसका पावर 0 भी चलेगा और कोई पॉजिटिव नंबर चलेगा, है ना। और वेरिएबल का कोई नेगेटिव पावर है, यानी कि अगर मैं y⁻³ बोलूँ तो ये पॉलीनोमियल नहीं बोल सकते, हाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं बट पॉलीनोमियल नहीं बोलेंगे, क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, है ना। जैसे कि x²+7x+8 लिख दिया मैंने, तो देखिए ये है वेरिएबल, उसका पावर आप देखिए ये 2, तो 2 वेरिएबल, 2 क्या है, होल नंबर है, तो है, ओके, क्योंकि 2 होल नंबर में आता है। उसी तरह यहाँ देखिए x का पावर क्या है, 1, तो 1 भी होल नंबर में ही आता है, और 8, और यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, तो मैंने बोला आपको लिखना है तो क्या लिखे, x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, और 0 भी होल नंबर में आता है। तो ये चेकिंग होने के बाद हम उसको बोल सकते हैं कि यस इट इज़ ए पॉलीनोमियल, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो है ही बट इसको पॉलीनोमियल भी हम बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। तो कैसे, वेरिएबल के पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तो क्या नहीं होना चाहिए जिसको हम पॉलीनोमियल नहीं बोलेंगे। एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, है ना, ये पॉलीनोमियल नहीं है। दूसरा कि कोई जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे कि 2/7 रैशनल नंबर अगर है तो वो भी नहीं चलेगा, है ना। कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे कि 7/x + 7/x² लिख देते हैं, +5/x ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि 7x² को नीचे से अगर ऊपर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पावर की साइन चेंज करनी पड़ती है ना, जैसे कि x का पावर 2 है प्लस में है तो ऊपर लिखेंगे तो x का पावर -2 हो जाएगा, उसी तरह 5 और x नीचे से ऊपर अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, x का पावर -1। तो ये देखिए ये भी नेगेटिव पावर है और ये भी नेगेटिव पावर है ना, वेरिएबल का नेगेटिव पावर नहीं चलेगा, तो ये पॉलीनोमियल इसको हम
नहीं बोल सकते, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं बट पॉलीनोमियल हम नहीं बोल सकते। समझ आए कि पॉलीनोमियल किसको बोलेंगे? जो भी वेरिएबल यूज़ हुआ है टर्म्स में वो वेरिएबल का पावर एक्सपोनेंट, वो पावर कैसा होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, यानी जीरो चलेगा और कोई भी पॉजिटिव पावर चलेगा, बराबर। नेगेटिव पावर नहीं चलेगे, रैशनल नंबर नहीं चलेगे, ओके। अगर नेगेटिव पावर या तो कोई रैशनल नंबर है तो फिर वो क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बोल सकते हैं बट उसको पॉलीनोमियल हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। और पॉलीनोमियल को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो बोल, हम रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, जैसे कि पी ऑफ एक्स है ना, तो इस तरह से हम पॉलीनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जैसे कि आपको क्वेश्चन कैसे देंगे, पी ऑफ एक्स, फिर क्वेश्चन देंगे जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3, ठीक है, पी ऑफ एक्स, या तो क्यू ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, ओके। ये सेम चीज़ क्यू ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट करना है या आर ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करना है तो भी कर सकते हैं। अगर कोई पॉलीनोमियल है जिसमें वेरिएबल टी यूज़ हुआ है, जैसे कि टी स्क्वायर प्लस 3t-2, तो इसको मैं पी ऑफ एक्स नहीं बोल लूँगा, इस बार पी ऑफ टी बोलना पड़ेगा, है ना, पॉलीनोमियल ऑफ टी, पी ऑफ टी। पी फॉर पॉलीनोमियल ऐसा ज़रूरी नहीं है, पी की जगह हम क्यू या आर भी यूज़ कर सकते हैं बट ज़्यादातर यूज़ होता है पी, ओके। पी ऑफ टी बोलेंगे क्योंकि इसमें, इस वाले जो पॉलीनोमियल है उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है वो है टी, बराबर। तो हर बार पी ऑफ एक्स ऐसा मत बोल देना, क्योंकि इसमें एक्स क्यों बोला, क्योंकि एक्स वेरिएबल यूज हुआ है, इसमें टी क्यों बोला, क्योंकि टी वेरिएबल यूज हुआ है, बराबर। इस तरह से पॉलीनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखने का तरीका है पॉलीनोमियल को, बराबर। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ आ गया है। चलिए तो डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल, तो डिग्री क्या होता है पॉलीनोमियल का, तो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। अभी हमने क्या देखा, पॉलीनोमियल में क्या चेक किया, वेरिएबल का पावर चेक किया। अब आपको क्या करना है, जो वेरिएबल है उसमें पावर जो है उसमें से हाईएस्ट पावर उठा के हमें लिखना है, हाईएस्ट पावर क्या लिखना है, हाईएस्ट पावर किसका, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का, जो भी वेरिएबल है उसका हम हाईएस्ट पावर जो रहेगा वो उसका आंसर रहेगा, यानी वो उसको हम बोलेंगे डिग्री। जैसे कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू मैं आपको देता हूँ 7x³-5x² + 8x-2। चलिए तो इसमें देखिए क्या बोला है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एक्स, एक्स का पहले टर्म्स में है ना, ये एक टर्म, दो टर्म, थ्री टर्म और फोर्थ टर्म, चार टर्म है। और चार टर्म के अंदर देखिए, पहले टर्म में जो वेरिएबल है एक्स उसका पावर क्या है, 3 है। दूसरे में एक्स है उसका पावर दिख रहा है इसके सर पे, है ना, ये सर पे ये जो लिखा है वो दिख रहा है हम लोग, 2। फिर इसमें एक्स का पावर कितना है, 1 है, ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है। और यहाँ एक्स का पावर 0 है, बराबर, तो इसमें क्या है, 0। अब देखिए 3, 2, 1 और 0 में से बड़ा कौन हुआ, 3 हुआ ना, तो इसका डिग्री का आंसर क्या आएगा, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, बराबर। उसी तरह देखिए पी ऑफ एक्स अगर आपको मैंने पूछ लिया कि 7x² - 8x + 2, तो देखिए हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है, ये देखिए इसमें एक्स का पावर 2 है, इसमें एक्स का पावर 1 है, इसमें एक्स का पावर 0 है, तो 2, 1 और 0 में से बड़ा कौन हुआ, तो 2 हुआ ना, तो डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ओके। चलिए और भी है, जैसे कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू मैं 5 लिख दिया तो इसका डिग्री बताओ, तो डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इसका डिग्री का देखिए ये कांस्टेंट है और इसमें एक्स का पावर क्या होता है, 0 होता है, बराबर। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे पावर कितना है, 0, और 0 ही हाईएस्ट पावर है, तो डिग्री भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बराबर। चलिए पॉलीनोमियल में एक चीज़ और भी है कि पॉलीनोमियल में अगर मैं आपको बोलूँ कि 7 क्या पॉलीनोमियल है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू का पॉलीनोमियल है, 7 है, 5 है, 2 है, ये सारे पॉलीनोमियल है कि नहीं है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो पॉलीनोमियल क्या होता है, जो वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स, और इसमें पावर क्या होता है, 0, बराबर। हमें लिखा नहीं है बट अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यानी 0 भी होल नंबर में ही आता है, वेरिएबल का जो पावर है वो 0 है और 0 भी होल नंबर में आता है, तो ये भी वैलिड है, यानी ये भी क्या है, पॉलीनोमियल ही भी है, ये भी 7 को भी क्या बोलते हैं, हम पॉलीनोमियल बोल सकते हैं, 5 को, 2 को, ये सबको हम बोल सकते हैं। तो ये क्या कांस्टेंट वैल्यू से पॉलीनोमियल बना हुआ है, इसको इसीलिए इसका नाम क्या है, कांस्टेंट पॉलीनोमियल। ऐसे पॉलीनोमियल को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट पॉलीनोमियल्स, ये सारे क्या है, कांस्टेंट पॉलीनोमियल्स, ओके, कांस्टेंट। अगर 0, तो 0 पॉलीनोमियल है कि नहीं, तो 0 में भी देखिए चेकिंग क्या करना है, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, तो इसमें जो वेरिएबल है वो है एक्स, उसका पावर भी 0 ही है, ओके। तो इसमें भी 0 भी क्या आता है,
इसमें भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पोलिनोमियल की, तो इसीलिए ये भी पोलिनोमियल है। और ज़ीरो को क्या बोलते हैं? ज़ीरो पोलिनोमियल, ठीक है, ये भी हमने क्लास 9 में पढ़ा था। ओके, तो एक टाइप का ये रिवीजन है ना। चलिए, तो अब डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल हो गया है, अब पोलिनोमियल के टाइप्स देख लेते हैं। तो दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक हम बात करें कि टर्म्स के बेसिस पे, और दूसरा बात करेंगे हम डिग्री के बेसिस पे। तो टर्म के बेसिस पे तीन कैटेगरी अभी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि पहली कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी में जो टर्म्स के बेसिस पे, उसमें पहला रहेगा मोनोमियल्स, सेकेंड रहेगा बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स, है ना। आपको याद करना पड़ेगा इसको बराबर, ये 9 में पढ़े थे हम लोग। पहला जो है टर्म्स के बेसिस पे, तो टर्म्स के बेसिस पे क्या होता है? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, है ना। मोनो यानी सिंगल, बाई यानी टू, और ट्राई यानी थ्री, ठीक है। और दूसरा जो है डिग्री के बेसिस पे, तो डिग्री के बेसिस पे चार हमने यहाँ पे लिए हैं पोलिनोमियल्स। तो पहला जो रहेगा लीनियर पोलिनोमियल, सेकंड रहेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, थर्ड रहेगा क्यूबिक पोलिनोमियल, और जो लास्ट है फोर्थ है वो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ओके, तो इतने पॉलिनोमियल्स है। पहला जो कैटेगरी क्या है? टर्म्स के बेसिस पे, तो टर्म्स के बेसिस पे क्या हो जाएगा? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और डिग्री के बेसिस पे क्या रहेगा? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। चलिए, इसमें मोनोमियल किसको बोलेंगे? तो मोनोमियल बोलेंगे जिसका टर्म है ना वन टर्म, हमने टर्म काउंट करना सीखा अभी अभी। तो अगर एक टर्म है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे मोनोमियल, दो टर्म्स वाले को बोलेंगे बाइनोमियल्स, और तीन टर्म्स रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल्स, ठीक है। और डिग्री के बेसिस पे देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में अगर डिग्री वन है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, डिग्री टू है तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और डिग्री का आंसर थ्री आ रहा है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और डिग्री का आंसर फोर आ रहा है तो वो हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। मोनोमियल में जैसे कि मान लो 7x² लिखा तो ये मोनोमियल आ जाएगा, है ना। 5 भी मोनोमियल है और 2x² भी मोनोमियल है। ओके, बाइनोमियल में बात करें तो जैसे कि 7x² ये फर्स्ट टर्म और टू, है ना, दो टर्म होनी चाहिए, तो ये हो गया 7x² + 2, या तो 5x³ - 7, तो ये दो दो टर्म्स वाले हैं वो बाइनोमियल से। उसी तरह तीन टर्म अगर करनी है तो कैसे करेंगे? 7x² + 2x - 3, तो ये तीन टर्म हो गए, तो ये हो गया ट्राइनोमियल, है ना। और लीनियर पोलिनोमियल की बात करें जिसमें डिग्री क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। तो वन डिग्री वाला पोलिनोमियल कैसे लिखे? जैसे कि 7x + 8, तो ये वन डिग्री है। देखिए हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रहा है वेरिएबल में? वन ही दिखाई दे रहा है, तो एक्स का पावर वन है या एक्स का पावर जीरो? वन और जीरो में से वन बड़ा हुआ तो डिग्री वन है। तो डिग्री वन वाले पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे? लीनियर। ये ऐसे पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में क्या हाईएस्ट पावर रहना चाहिए? टू। तो देखिए ये रहा, ये वाला भी क्वाड्रेटिक ही दिखाई दे रहा है, तो उसी को एग्जांपल में ले लेते हैं। जैसे कि 7x² और मैं एक्स्ट्रा ये वाला ले लेते हैं 7x² + 2x - 3, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर भी क्या दिखाई दे रहा है वेरिएबल का, यानी कि एक्स का टू दिखाई दे रहा है, इसलिए ये है क्वाड्रेटिक। उसी तरह पी ऑफ एक्स, अगर मैं क्यूबिक की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए ये वाला एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हाइएस्ट पावर तीन दिखाई दे रहा है, तो ये एग्जाम्पल चलेगा 5x³ - 7, तो हाइएस्ट पावर तीन है तो डिग्री तीन है, तो तीन डिग्री वाले पोलिनोमियल को हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। और बाई क्वाड्रेटिक में चार डिग्री रहेगी, जैसे कि मैं 7x⁴ + 7x³ - 2x² + 1, तो हाईएस्ट पावर चार दिखाई दे रहा है, तो ऐसे पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। टर्म्स के बेसिस पे क्या होता है? बाइनोम टर्म्स के बेसिस पे क्या होता है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल यानी एक टर्म वाला पोलिनोमियल, बाइनोमियल यानी दो टर्म वाला पॉलिनोमियल, और ट्राइनोमियल यानी तीन टर्म वाला पॉलिनोमियल। उसी तरह डिग्री के बेसिस पे बात करें तो एक डिग्री वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, दो डिग्री वाले पॉलिनोमियल को बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीन डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल, और चार डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। आई होप कि आपको समझ आ गया है ना। चलिए, अब लास्ट चीज़ है पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो एक कोई भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, जैसे कि 7x² + 2x + 1 ले लिया। ओके, तो वैल्यूज़ कैसे फाइंड करना है? तो वैल्यूज़ आप देखिए, यहाँ वेरिएबल क्या यूज़ हुआ है? एक्स। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक्स इक्वल टू अब ज़ीरो ले लो, तो जब आप एक्स की जगह पे ज़ीरो ज़ीरो रखोगे और जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे कि देखिए यहाँ पी ऑफ क्या लिखूंगा? एक्स नहीं लिखूंगा, ज़ीरो लिखूंगा, क्योंकि अभी मुझे एक्स क्या लेना है? ज़ीरो लेना है। तो जहाँ जहाँ पूरे पॉलिनोमियल में एक्स यूज़ हुआ है वहाँ वहाँ एक्स हट जाएगा और एक्स के जगह पे हम ज़ीरो रखेंगे। तो सेवन देखिए यहाँ एक्स है, एक्स का एक्स स्क्वायर है ना, तो ये ज़ीरो
का पावर 2 बन जाएगा, 2x की जगह पे 0 आ जाएगा प्लस 1, तो 7 0 7 इंटू 0 2 इंटू 0 प्लस 1, तो 7 0 0 2 0 0 और 1, तो 1 आया। क्या 1 आया? P ऑफ 0। तो ये हमने क्या किया, पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड किया, किस पे, x इक्वल टू 0 लेके। अगर कोई आपको बोलता है कि x इक्वल टू 1 लेके आप आंसर फाइंड करिए, तो वैल्यू आपको फाइंड करनी है 1 लेके, तो P ऑफ 1 आपको उसी तरह फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखते जाएंगे, जैसे कि 7 1 का स्क्वायर, 2 x की जगह पे 1 आ जाएगा और 1, तो 7 प्लस 2 प्लस 1, तो आंसर क्या आएगा, 10। तो P ऑफ 1 क्या आ गया मेरा, 10 आ गया, है ना। तो ये फाइंड हो गई वैल्यू, x इक्वल टू 1 पे हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करी। ओके, तो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करने में कुछ नहीं होता कि जो भी वेरिएबल है उसका एक वैल्यू दे देंगे, कि जो भी वेरिएबल है आपका x है y है तो उसका एक वैल्यू बोल देंगे कि आप x इक्वल टू 5 लेके आंसर फाइंड करो, x इक्वल टू 10 लेके आंसर फाइंड करो, -1 लेके फाइंड करो, 0 लेके फाइंड करो। ओके, तो जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है वहाँ वहाँ वो, जैसे कि यहाँ 0 है तो हमने x की जगह पे 0 0 रख दिया। ओके, और फिर आंसर फाइंड कर दिया, और जो आंसर आया वो है वो पॉलिनोमियल की वैल्यू उस x की जो हमने वैल्यू ली उस पे। ओके, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे वीना ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम स्टडी रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते रहते हैं, है ना। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।